hello friends very warm welcome to lk academy and welcome to your current affairs lecture and today we will continue with our current affairs lecture number 27 i hope every one of you has gone through all previous lectures and you are continuously giving your examination okay why i'm saying this because failure is the opportunity to begin again more intelligently and that's why you are asked to attain each and every examination thoroughly right जब आप exam नहीं देते हो तो आप खुद, -खुद को scrutinize करने का जो chance है वो खो देते हो okay and practice makes a man perfect so please 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 do not avoid any examination ठीक है चाहे एक mark आ रहा है तीस में से या दो mark आ रहा है that is fine ठीक है पहले एक आएगा एक से बढ़कर आपको दस मार्क पंद्रह मार्क बीस मार्क मिलेंगे राइट तो आपको वो जो प्रोबेबिलिटी है आपके आंसर सही होने की वो कब पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कहाँ गलत है कहाँ आपको सुधार की ज़रूरत है कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग है कहाँ पे आपको कम टाइम देना है ये जो पूरा एनालिसिस है वो आपको एग्ज़ाम देने से ही मिलेगा राइट चलिए इसी के साथ आज का जो हमारा पहला लेक्चर है पहला टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है करेंसी स्वैप बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका सो देखिए करेंसी स्वैप अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि स्वैप का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सचेंज कुछ चीज़ होगी और क्या चीज़ एक्सचेंज होगी करेंसी ओके तो इंडिया और श्रीलंका के बीच कोई तो करेंसी एक्सचेंज होगी अब इंडिया की करेंसी अलग है श्रीलंका की अपनी लोकल करेंसी है डोमेस्टिक करेंसी है राइट right? So, कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ करेंसी की फेर बदल करेंगे करेंसी का स्वैपिंग करेंगे तो इन दोनों के बीच जो कॉमन करेंसी है वो कौन सी है डॉलर राइट यूएस डॉलर में पूरा ट्रेड होता है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में डॉलर की फेर बदल होगी इंडिया के पास आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व पिछले कुछ सालों में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व बड़ा है राइट श्रीलंका के पास सामने फॉरेक्स रिज़र्व काफ़ी कम है वी ऑलरेडी नो कि श्रीलंका और चाइना की जो पोजीशन है श्रीलंका का सारा पैसा चाइना की डेप्ट चुकाने में चला जा रहा है चाइना के पास उन्होंने इतनी लोन ले रखी है राइट तो उससे बचने के लिए श्रीलंका को व्यापार करने के लिए यूएस डॉलर अपने फॉरेक्स रिज़र्व की ज़रूरत है तो इंडिया ने 2019 से ओके okay, स्पेसिफिकली स्पीकिंग नॉट इंडिया आर ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था सार्क कंट्रीज़ के साथ करेंसी स्वैपिंग का और क्या है ये करेंसी स्वैपिंग बेसिकली सो इंडिया अपने नेबरिंग जो सार्क कंट्रीज़ है सार्क के अंडर जितने भी कंट्रीज़ है उनको फॉरेक्स रिज़र्व के लिए मदद करेगा राइट right? अब फॉरेक्स रिज़र्व के लिए क्यों इंडिया मदद करेगा ताकि वो लोग इंडिया से ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदे ओके okay, देखिए एक सिंपल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ इंडिया और श्रीलंका की ही बात करेंगे सो so इंडिया के पास जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा फॉरेक्स रिज़र्व है सामने श्रीलंका के पास अगर श्रीलंका किसी भी कंट्री से अगर ट्रेड करता है तो उसके पास वो पैसा चुकाने के लिए जो सामान लिया है उसने वो पैसा चुकाने तक का श्रीलंका के पास पैसा नहीं है ओके okay? तो इंडिया ने क्या किया क्योंकि इंडिया का ये विजन है कि अगर सार्क रीज़न डेवलप होगा तो इंडिया का डेवलपमेंट खुद ब खुद होगा तो इंडिया ने 2019 में ये डिसाइड किया कि वी विल प्रोवाइड यू दी मनी। ओके इट्स वन काइंड ऑफ अ लोन ओनली बट इट इज नॉट एग्जैक्टली लोन, राइट वो लोन की डेफिनेशन में पूरी तरह से नहीं बैठेगा हम सामने कुछ ले भी रहे हम सामने पैसा ले रहे हैं अगर हम पैसा उनको दे रहे हैं तो ओके okay, तो देखिए यहाँ पे इंडिया क्या करेगा इंडिया टू बिलियन डॉलर जितना फंड इसके लिए रखा है करेंसी स्वैप के लिए अपने टोटल फॉरेक्स रिजर्व में से श्रीलंका के साथ 400 मिलियन डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है एक अग्रीमेंट किया गया है कि इंडिया 400 मिलियन डॉलर रुपए श्रीलंका को देगा उसके सामने ओके okay, श्रीलंका अगर एक डॉलर का भाव पचास या साठ श्रीलंकन रुपीज़ है तो श्रीलंका 400 मिलियन डॉलर के हिसाब से अपनी डोमेस्टिक करेंसी भारत को देगा कितने सालों के लिए चार सालों के लिए 2019 से लेकर 2022 तक ओके सो 2022 तक का ये प्रोग्राम आरबीआई ने चला कर रखा है फॉर सार्क नेशन अब देखिए इससे होगा क्या इंडिया के लिए तो डॉलर भी फॉरेन करेंसी था श्रीलंकन रूपी जो है वो भी फॉरेन करेंसी है तो इंडिया को सामने फॉरेन करेंसी मिल गई राइट श्रीलंका को क्या फ़ायदा होगा श्रीलंका को जो ट्रेड उसका रुका हुआ था जो पेमेंट वो नहीं कर सकता था उस पेमेंट के लिए इंडिया ने उसको मदद कर दी राइट इट्स वन काइंड ऑफ अ बार्टर सिस्टम ठीक है अगर आपके पड़ोसी के पास मान लीजिए चीनी ज़्यादा और आपके पास गेहूँ ज़्यादा है उसका काम सिर्फ चीनी से नहीं चलेगा आपका काम सिर्फ गेहूं से नहीं चलेगा तो आपने क्या किया आपने 100 किलो गेहूं में से 20 किलो गेहूं उसको दे दिए अब क्योंकि गेहूं महंगे है और चीनी सस्ती है वो 20 किलो के सामने आपको 30 किलो या 40 किलो चीनी देगा राइट इससे देखिए दोनों का काम चल गया अब जब आपके पास वापस फॉरेक्स रिजर्व आ जाएगा श्रीलंका के पास तो श्रीलंका वो डॉलर जो है 400 मिलियन डॉलर दो या तीन या चार साल में जब उसके पास अब वापस फॉरेन रिजर्व आ जाएगा उसको इंडिया को वापस कर दिया जाएगा अब इससे फ़ायदा क्या होगा आपके मन में ये सवाल होना चाहिए तो ये जब एग्रीमेंट जिस मान लीजिए कि अगर ये जुलाई या अगस्त दो में अगर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है तो जिस दिन इंडिया श्रीलंका को पैसा दे रहा है चार मिलियन डॉलर उस दिन अगर एक डॉलर का भाव सत्तर या पचहत्तर रुपये है तो आज से चार साल बाद जब पैसा लौटाने की बारी आएगी तो श्रीलंका उतने ही पैसों में डॉलर को वापस इंडिया को बेच देगा ओके उस टाइम पे मान लीजिए अगर डॉलर चार साल में बढ़कर सौ रुपए हो गया है तो इंडिया को सौ रुपये चुकाने की जरूरत नहीं है इंडिया वापस पचहत्तर रुपए में ही उस डॉलर को क्या करेगा खरीद लेगा देखिए यहाँ पे फायदा फाइद, होगा इंडिया को डॉलर का तो ऊपर ही जाना है हमें पता है तो अगर इंडिया का डॉलर का भाव अगर सौ रुपये हो जाएगा और वापस उस टाइम पे अगर 400 मिलियन डॉलर इंडियन फॉरेक्स रिजर्व में आते हैं तो जो पच्चीस रुपये ऊपर के एक्स्ट्रा थे जो कि चार साल पहले पचहत्तर रुपये थे राइट डॉलर का भाव आज उसका मार्केट प्राइस सौ रुपये है तो फ़ायदा किसको हुआ इंडिया को हुआ तो दोनों ही कंट्री को यहाँ पे फ़ायदा होगा चाहे डॉलर का भाव घटे या डॉलर का भाव बढ़े तो यहाँ पे मार्केट प्राइस का जो रिस्क रहता है कि डॉलर का भाव घटा तो नुकसान होगा बढ़ा तो भी नुकसान होगा राइट तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी और दोनों कंट्री का काम भी हो जाएगा अब इंडिया क्यों इतनी मेहरबानी कर रहा है बिकॉज़ ये इंडिया का विज़न है कि हम हमारे नेबर्स की मदद करेंगे हमारे नेबर्स कहीं भी अटकने नहीं चाहिए और देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया इतनी मेहरबानी कर रहा है जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होगा तो इंडिया ने काफ़ी शर्तें उसमें रखी होगी कि आपको इस फील्ड से इतना सामान इंडिया से ही खरीदना पड़ेगा इससे क्या होगा कि जो लोकल इकोनॉमी से वो सामान जब श्रीलंका जाएगा तो लोकल इकोनॉमी को खुद ब खुद क्या होगा फ़ायदा होगा तो इंडिया अपने इंटरेस्ट जो है उसको कवर करके उसको सेटिस्फाई करके श्रीलंका को ये बाटर सिस्टम में करेंसी स्वैप कर रहा है ओके आई होप नाव इट इज क्लियर नाव यू विल गो थ्रू द थियोरी सो रिसेंटली इंडिया एंड श्रीलंका हैड अ वर्चुअल मीटिंग इन दी वेक ऑफ द कोविड नाइनटीन पेंडेमिक और कोविड नाइनटीन से सारी ही जो इकोनॉमीज है उस पर असर पड़ा है राइट इट वॉज अटेंडेड बाई द ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक दैट इज एक्जीम बैंक वी ऑलरेडी नो अबाउट एक्जीम बैंक राइट सो एक्जीम बैंक इज़ दी प्रीमियर एक्सपोर्ट फिनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है कहाँ फाइनेंस कम है कहाँ फाइनेंस ज़्यादा है कहाँ फ़ायदा हो सकता है ज़्यादा उन सारी चीज़ों पर ध्यान देगा किसको लोन देना है किसको लोन नहीं देना है उन सारी चीज़ों पर एक्जीम बैंक का कंट्रोल uh, रहेगा सो द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अग्रीड टू अ यू एस डॉलर 400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर श्रीलंका टिल नवंबर 2022 ट्वेंटी टू बूस्ट दी फॉरेन रिजर्व ओके अगर मैं और एक सिंपल आपको एग्ज़ाम दूँ तो जैसे बैंक आपको घर पे या गहने गिरवी रख कर जो पैसा देता है तो उसी किस्म का ये सिस्टम है बट ऑन अ लार्जर स्केल और यहाँ पे करेंसी के सामने करेंसी दी जाएगी ओके okay? कोई एसेट नहीं रखे जाएंगे बट करेंसी के सामने करेंसी दी जाएगी सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अग्रीड टू अ 400 मिलियन यूएस डॉलर करेंसी फैसिलिटी फॉर श्रीलंका टिल नवंबर 2022 देखिए आने वाले तीन सालों के लिए राइट टू बूस्ट द फॉरन रिजर्व एंड एंश्योर द दिनांशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री करंसी स्वैप आर यूज टू ऑप्टेन फॉरन करेंसी लोन्स एट अ बेटर इंटरेस्ट रेट देन कूड बी ऑप्टेंड बाई बोरोइंग डेक्टली इन फॉरन मार्केट राइट तो क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ को यहाँ पे फायदा होगा इसीलिए आर ने ये नई स्कीम निकाली है फॉर दी करेंसी स्वेप एंड इंडिया एज ऑफ नाउ सार्क नेशन के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इससे पहले जापान के साथ ऑलरेडी इंडिया करेंसी स्वैप कर चुका है सो सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स एंगेज इन करेंसी स्वेप्स विद फॉरन काउंटर टू मीट शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स मैंने जैसा कि आपको बताया कि कोविड नाइन्टीन की वजह से श्रीलंका के पास ट्रेड के लिए पैसा नहीं है अगर उसको कुछ चीज़ अपने देश में इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए सामने पैसा चुकाना पड़ेगा बट वो पैसा भी उसके पास नहीं है और अगर ज़्यादा समय तक ट्रेड बंद रहा तो उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो जाएगी जब श्रीलंका की इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो जाएगी तो उसका सीधा सीधा असर भारत में बढ़ेगा क्यों क्योंकि भारत से काफ़ी सारा सामान श्रीलंका में जाता होगा अगर भारत के व्यापारियों को पैसा नहीं मिलेगा तो वो वहाँ पे सामान भेजना बंद कर देंगे और किसका नुकसान होगा भारत के जो लोकल व्यापारी है उनका भी नुकसान होगा और भारत के पास ऑब्वियसली जो फ़ॉरेन रिजर्व है वो क्या होगा कम होगा तो इसको अवॉइड करने के लिए आपके न, आपके जो नेबरिंग इकोनॉमी है वो ब्रेक ना हो जाए वो टूट ना हो जाए वो बर्बाद ना हो जाए इसके लिए टू प्रोवाइड देम अ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ठीक है दस दिन के लिए या पंद्रह दिन के लिए या थोड़े समय के लिए जैसे मैंने पैसे उधार दे दिए राइट और टू एंश्योर एडेकुएट फॉरेन करेंसी टू अवॉइड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस टिल लॉन्गर अरेंजमेंट्स कैन बी मेड तो जब तक कोई अच्छी अरेंजमेंट नहीं हो जाती रही श्रीलंका जब तक कोविड नाइन्टीन से उभर नहीं जाता तब तक इंडिया ये फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करेगा द डिसीजन कम्स फाइव मंथ्स आफ्टर श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजा बक्शा हेड विजिटेड न्यू डेली अंडर रिसेंट बाट्रल डिस्कशन ऑन रेस्कड्यूलिंग कोलम्बोज आउटस्टैंडिंग डेप्ट रीपेमेंट टू इंडिया तो देखिए इंडिया ने अपने जो कंसर्न थे वो यहाँ पर उन्होंने कवर कर लिया उसको अड्रेस कर लिया उन्होंने श्रीलंका ओज नाइन हंड्रेड सिक्सटी मिलियन यू एस डॉलर टू इंडिया तो इतना उधार श्रीलंका को अभी हमें चुकाना है राइट right. तो अगर श्रीलंका की इकोनॉमी काम नहीं करेगी ठीक से तो श्रीलंका ये पैसा नहीं चुका पाएगा एंड दैट्स वाई वी आर फुटिंग अवर स्टेप अहेड टू हेल्प श्रीलंका ओके कल को कर अगर नेपाल बांग्लादेश भूटान को भी अगर ऐसी मदद की ज़रूरत होगी तो इंडिया उनको करेगा ओके okay? पाकिस्तान को भी ये मदद एक्चुअली करेगा इंडिया बट ड्यू टू द करंट सिचुएशन इट इज़ वेरी अनलाइकली सिचुएशन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव फ्राम बोथ कंट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन अ वेबिनार ऑन डीपनिंग इकोनॉमिक कोलोबोशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका ऑर्गेनाइज बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राइट बिकॉज इंडिया का काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में है सो श्रीलंका हाईलाइटेड दैट नॉन टेरिफ बैरियर्स इन रिसीविंग कंट्रीज क्रिएट डिफिकल्टीज इन मार्केट एक्सेस तो रिसेंटली इंडिया ने जो टेरिफ थे वो बढ़ा दिए है काफ़ी सारे कंट्रीज़ के लिए राइट ताकि इंडियन जो लोकल इकोनॉमी है उसको फ़ायदा हो अ नॉन टेरिफ बैरियर इज़ अ वे टू रेस्ट्रिक्ट ट्रेड बाई यूजिंग बैरियर्सर अदर देन अ टेरिफ दीज इंक्लूड कोटाज सेंक्शंस एंड लेवाइज राइट तो जो राहतें दी जाती है जो डिस्काउंट्स दिए जाते हैं ऑन दी एक्सपोर्ट वो अगर दे दिए जाए तो इजीली ट्रेड हो सके टू रिजॉल्व दैट इफ इट अर्जड फिकी टू कोलाबरेट विद द श्रीलंकन मिशन इन न्यू डेली टू हेल्प बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ इट्स स्पाइसिस कॉन्सेंट्रेट्स टू द इंडियन मार्केट तो कैसे श्रीलंकन जो स्पाइसिस है उनको इंडियन मार्केट में लाया जाए ईजीली विदाउट हायर टेरिफ उसके लिए काम आगे सरकार करेगी दोनों गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी ओके सो दिस वॉज दी करेंसी स्वेप अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इंडिया अपनी चार सौ यू एस मिलियन डॉलर अपने फॉरक्स रिजर्व से श्रीलंका को देगा उसके सामने श्रीलंका अपनी डोमेस्टिक करेंसी जो है चार सौ मिलियन डॉलर के बराबर की वो क्या करेगी इंडिया को देंगे राइट right? और जब श्रीलंका के पास अच्छा खासा फॉरेन रिजर्व हो जाएगा तो ये चार मिलियन डॉलर एग्रीमेंट की जो साइन डेट है उसी के हिसाब से इंडिया को वापस बेच दिया जाएगा और इंडिया उसको खरीद लेगा राइट right? ताकि दोनों का ही काम चल गया ओके okay. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कौशल से कल बदलेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ओके सो रिसेंटली ये दिन मनाया गया ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ सेप्टेंबर सो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ सेलिब्रेटेड द फाउंडेशन डे ऑफ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शॉर्टली नोन एज डी डी यू जी के वाई एस कौशल से कल बदलेंगे ऑन दी ओकेजन ऑफ अंत्योदय दिवस ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ सेप्टेंबर और देखिए कौशल से कल बदलेंगे क्यों लाया गया बिकॉज नाउ वी आर फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत इसीलिए कौशल से कल बदलेंगे थीम के ऊपर आपका जो डी डी यू जी के वाई का जो दिन है ओके फॉर्मेशन डे है फाउंडेशन डे जो है वो उस दिन मनाया गया जिसका दूसरा नाम क्या है अंत्योदय दिवस ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर राइट सो ना व्हाट वॉज दी इनोग्रेशन एंड न्यू रिलीज ऑन दिस पर्टिकुलर डे ऑन ऑफ अंत्योदय दिवस सो एग्रीप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया ना देखिए नाम में ही आपको दो शब्द देखने को मिल रहे हैं एग्रीकल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर जब खेती में मैं व्यवसाय करूंगा तो उसको क्या कहा जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप इन एग्रीकल्चर एग्रीप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एज जनरली सस्टेनेबल कम्युनिटी ओरिएंटेड डायरेक्टली मार्केटेड एग्रीकल्चर देखिए डायरेक्टली मार्केटेड अभी जो तीन कृषि विधेयक जो राष्ट्रपति ने अभी दो दिन पहले पास किए राइट right, तो वो भी डायरेक्टली मार्केटेड एग्रीकल्चर की तरफ इंडियन सरकार का एक कदम है पंजाब हरियाणा काफ़ी जगहों पे फार्मर्स जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं राइट बट दैट इज़ एज ऑफ नाउ वो पॉलिटिकल अपोज लग रहा है बिकॉज जो गवर्नमेंट ने सर्वे किया है उसके हिसाब से मोस्ट ऑफ़ दी फार्मर्स आर हैप्पी विद दी न्यू बिल्स ओके जो भी uh, एसेंशियल कमोडिटीज वाला जो बिल है दूसरे दो जो कृषि विधेयक है जिसमें जो कृषि मंडिया है उस उससे कंट्रोल हटाकर फार्मर को एक अच्छा मार्केट देने का स्कीम है वो राइट तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर सपोर्टिंग इट. नाउ वी हैव टू सी दैट इन कमिंग डेज हाउ दैट प्रो हाउ दोस्ट टर्न आउट ओके गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड टू मेक दोज फार्मर्स अंडरस्टैंड कि ये आपके लिए क्यों अच्छा है राइट सो एग्रीप्रिन्योरशिप इज डिफाइंड एज जनरली सस्टेनेबल कम्युनिटी ओरिएंटेड डायरेक्टली मार्केटेड एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डिनोट्स अ होलिस्टिक सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच टू फार्मिंग दैट फोकसिस ऑन दी इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रोसेस हमारे यहाँ इंडिया में अब तक क्या होता था सबको फायदा होता था मिडल से लेकर ग्राहक को फायदा हो जाता था अंत में आत्महत्या किसे करनी पड़ती थी किसान को तो सरकार उसे बदलने की कोशिश कर रही है सो गाइडलाइंस रिगार्डिंग कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट अंडर डी डी यू जी के वाई जो कौशल से कल बदलेंगे के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा लोगों को उसकी गाइडलाइंस को भी लॉन्च किया गया कैप्टिव एम्प्लॉयज आर बिजनेसिस विच कैन एम्प्लॉय फाइव हंड्रेड और मोर इन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन और वन ऑफ देयर सब्सिडियरीज एंड है सुटेबल इन हाउस ट्रेनिंग फैसिलिटीज राइट ताकि उनको कहीं और ना जाना पड़े गाँव में ही उनको ट्रेनिंग मिल जाए और उनको रोजगारी मिल सके राइट right? और आईएफसी ने भी जो गाइडलाइंस है वो निकाली है जो गाइडलाइंस फॉर प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर तो कैसे देश में अलग अलग क्लस्टर बनाए जाएंगे फार्मिंग क्लस्टर पिछली बार हमने बाम्बू क्लस्टर के बारे में पढ़ा था राइट देन वी आर वी हैव ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट टॉय क्लस्टर कि अगर कोई एक ज़िला या कोई एक रीजन किसी एक चीज़ की प्रोडक्शन अच्छे से कर सकता है तो उसको एक क्लस्टर मान लिया जाएगा और उसको सारी जो सुविधाएं हैं जस्ट लाइक सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन या स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन सारी सुविधाएं उसको प्रोवाइड करवा दी जाएगी तो उसकी गाइडलाइंस को भी लॉन्च किया गया इंटीग्रेटेड फार्मिंग इज अ कम्बाइंड अप्रोच एम्ड एट एफिशियंट सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन दी क्रॉपिंग सिस्टम इट हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी फूड सिक्योरिटी फार्मर्स सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन बाई इन्वॉल्विंग लाइफ स्टॉक वर्मी कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एट्सेट्रा तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हम जब ऑर्गेनिक फार्मिंग या ज़ीरो बजट फार्मिंग इन जब हमने बात की थी तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक कि किस तरह से फार्मर का फार्मर की जो इनकम है उसको बढ़ाया जाए आजकल क्या होता है फार्मर पूरी उसकी जो खेती है वो वर्षा पे आधारित है रेन डिपेंडेंट है राइट तो अगर एक साल किसी एक रीजन में अगर अच्छी बारिश नहीं होगी तो उस एरिया के सारे किसान ने जो लोन लिया वो वो लोन नहीं चुका पाएगा और लोन क्यों नहीं चुका पाएगा क्योंकि बारिश अच्छी नहीं हुई तो जो क्रॉप से उन उसकी इनकम होनी चाहिए थी वो उसको इनकम नहीं हो पाई और जब वो लोन नहीं चुका पाया तो क्या हो गया उसने आत्महत्या कर ली ऐसा ना हो इसलिए जो ऑप्शनल फार्मिंग की जो स्कीम है उसको उस किसान को समझाना पड़ेगा राइट क्या चलो एक क्रॉप अगर आपका इस साल बारिश की वजह से फेल गया है तो आप अगले दो महीने में ज़मीन में फेरबदल करके कोई और पाक उगा सकते हो कोई और क्रोप की खेती कर सकते हो तो ये सारी चीज़ें किसान को धीरे धीरे थ्रू वेरियस एजेंसीज गवर्नमेंट समझाना चाहती है राइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप एंड प्रोवाइडिंग इनक्यूबेशन सपोर्ट इन रूरल एरियाज राइट बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द फार्मिंग है वो जनरल इंडिया के रूरल एरियाज में ही होती है ओके एंड दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ योर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना वी हैव ऑलरेडी नोन दिस ट्वेंटी फोर्टीन से हमने अंत्योदय दिवस मनाना स्टार्ट किया है सो दिस इज जस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडी और अगेन आई एम टेलिंग इसको जोड़ दिया गया है देखिए आत्मनिर्भर भारत के साथ इसको जोड़ दिया गया है ताकि हमें ट्रेनिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए इंडिया से बाहर ना जाना पड़े अगर कोई गांव है तो वो गांव सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए वो किसी और डिस्ट्रिक्ट पे या किसी और राज्य पे आधारित नहीं होना चाहिए अगर वो सिंगल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए जो कि हमने ये कोविड नाइन्टीन के दौरान हमने देखा कि हम चाइना पे इतने डिपेंडेंट थे कि हमारी सारी चीज़ें चाइना से आती हुई अटक गई क्यों अटक गई बिकॉज हम उसको यहाँ मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पाते थे या करना नहीं चाहते थे आज तक हमने वो एन्वायरमेंट क्रिएट ही नहीं किया ओके वी हैव द कैपेसिटी राइट बट हमने आज तक वो प्रयास ही नहीं किया कि वी ऑल्सो कैन मैन्युफैक्चर दिस एंड नाउ गवर्नमेंट इज़ पुशिंग एवरी वन दैट क्यों बाहर से मंगवाना है अगर वो आपको इंडिया के किसी छोटे से गाँव में मान लीजिए मैं मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ और मैं कॉटन जो है वो मान लीजिए बांग्लादेश से या म्यांमार से अगर मंगवा रहा हूँ तो इंडियन गवर्नमेंट जब मैं परमिशन लेने जाऊंगा तो मुझे पूछेगी कि भाई क्यों कॉटन बांग्लादेश से या म्यांमार से मंगवाना है गुजरात में जाइए महाराष्ट्र में जाइए आपको कम दाम में वहाँ कॉटन मिलेगा जब मैं वहाँ से कॉटन लूँगा तो मुझे जो इम्पोर्ट पर टैक्स देना पड़ता था वो बच गया इम्पोर्ट ड्यूटी जो देनी पड़ती थी वो बच गई क्वालिटी प्रोडक्ट मुझे मिलेगा अपने ही देश के अपने ही राज्य के किसान से उसको तो फ़ायदा होगा ही होगा मुझे भी फायदा होगा और वो पूरा प्रोडक्ट जो कॉटन जहाँ पे यूज़ होगा एंड यूज़र को भी उसका फ़ायदा होगा क्यों क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्च था डीले जो था वो सारी चीज़ें कम हो जाएगी तो जो जो चीज़ अगर श्रीलंका से मैं कुछ चीज़ मंगवा रहा था या बांग्लादेश से कुछ चीज़ मंगवाने पर वो मुझे पंद्रह रुपये पर पीस पड़ रहा था अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है तो वो मुझे सीधा दस रुपये या ग्यारह रुपये पर पीस पड़ेगा तो जब मैं बेचने जाऊंगा तो मेरा मुनाफा निकाल कर भी ग्राहक को वो चीज़ मैं अच्छे दामों पर दे पाऊंगा एंड दिस इज़ दी होल आइडिया बिहाइंड आत्मनिर्भर भारत ओके okay, चलिए और अंत्योदय दिवस जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2014 से ये दिन पहली बार मनाया जा रहा है आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट की नेक्स्ट इज़ फेम इंडिया स्कीम फेज टू ओके काफ़ी इलेक्ट्रिक बसों के बड़े बड़े पिक्चर्स आपने देखे होंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे स्टेट्स के काफ़ी सारे सिटीज़ में फेम इंडिया स्कीम के अंडर में इलेक्ट्रिक बसेस और चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी दे दिया उसके लिए जो फ़ंड है वो ऑलरेडी अलोकेट कर दिया है एंड नाउ गवर्नमेंट इज़ एम्फसाइज और गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकॉज हमें पता है कि आने वाले 10-20 सालों में हमारे पास पेट्रोल डीजल नहीं रहने वाला तो अचानक से गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स राइट तो गवर्नमेंट अभी से वो बिहेवियरल चेंज देश में लाना चाहती है कि आप यू यूज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ओके अगर आपके पास एक पेट्रोल वाला व्हीकल है एक इलेक्ट्रिक वाला व्हीकल है तो गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग यू सब्सिडी टू बाय दोस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स राइट सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेंक्श सिक्स सेवेंटी इलेक्ट्रिक बसेस इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र गोवा गुजरात एंड चंडीगढ़ एंड टू फोर्टी वन चार्जिंग स्टेशंस इन मध्य प्रदेश तमिलनाडु केरला गुजरात एंड पोर्ट ब्लेयर अंडर फेज टू ऑफ फेम इंडिया स्कीम बैकग्राउंड क्या है इसका सो फेम इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ दी नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान राइट right. हमें जो पूरी सोसाइटी है उनको धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मूव करना है मेन थ्रस्ट ऑफ फेम इज़ टू एनकरेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़ जब तक मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते नहीं मिलेंगे एफिशिएंट नहीं मिलेंगे तब तक मैं पेट्रोल डीजल से दूर जाने वाला नहीं हूँ सो द फेम इंडिया स्कीम इज़ एम्ड एट इंसेंटिवाइजिंग ऑल व्हीकल सेगमेंट्स तो आने वाले सालों में आपको फोर व्हीलर में बड़ी बड़ी ट्रक्स में ओके सिक्स व्हीलर एट व्हीलरस में थ्री व्हीलर्स में टू व्हीलर्स में तो आजकल हो पता ही है हमें कि वी ऑलरेडी हैव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन दी टू व्हीलर सेगमेंट बट आने वाले सालों में हर एक सेगमेंट में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर रिसर्च होता हुआ दिखेगा और आने वाले कुछ ही सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको रोड्स पे दौड़ते हुए मिलेंगे सो so, इस स्कीम के बेसिकली दो फेजेस है वॉट आर दोज टू फेजेस सो फेज़ वन 2015 में स्टार्ट किया गया था और 2019 मार्च में वो ख़त्म हो गया राइट right? और क्या था फ़ेज़ वन में तो बेसिकली रिसर्च एंड एनालिसिस था वहाँ पे कि कितना फ़ंड लगेगा किसको कौन से सिटी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कौन से सिटी में पायलट प्रोजेक्ट चलाने चाहिए ये सारी चीज़ें वहाँ दी कौन सी कंपनी इसके ऊपर रिसर्च कर रही है ताकि उनको आने वाले सालों में गवर्नमेंट सब्सिडी दे सके तो ये सारी जो प्लानिंग थी वो फेज़ वन में की की गई नेक्स्ट जो फेज़ टू स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 2019 एंड विल बी कंप्लीटेड बाय 31 मार्च 2022 ट्वेंटी टू ओके तो आने वाले एक दो सालों में ही आपको काफ़ी सारे शहरों की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ती हुई दिखेगी दिल्ली में देखिए ऑलरेडी दौड़ रही है ओके आपने जो ग्रीन कलर वाली जो डी टी सी की बसें देखी होगी सो दोज आर इलेक्ट्रिक बसेज सो द स्कीम कवर्स हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज लाइक माइल्ड हाईब्रिड स्ट्रांग हाइब्रिड प्लग इन हाइब्रिड एंड बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी कौन होगी इन सारी चीज़ों के लिए सो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज विल बी मॉनिटरिंग अथॉरिटी तो वहाँ से फंड अलोकेट होगा किसी भी शहर या किसी भी टाउन को फेम इंडिया स्कीम हैज़ फोर फोकस एरियाज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ओके देखिए अभी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है बट दैट टेक्नोलॉजी इज नॉट दैट सफिशेंट अगर पेट्रोल व्हीकल कन्वेंशनल व्हीकल और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बीच में अगर रेस लगाई जाए तो गॉन जीतेगा इज ऑफ नाउ पेट्रोल व्हीकल जीतेगा क्यों क्योंकि उसकी एफिशेंसी ज़्यादा है तो उसी के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना है कि भाई सेम या अप टू दी सेम एफिशिएंसी हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी मिलनी चाहिए और उसकी कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए राइट डिमांड क्रिएशन राइट तो जैसे कि मैंने कहा बिहेवियरल चेंज काफ़ी ज़रूरी है आप आज मार्केट में लेने जाओगे तो व्हाट विल यू प्रेफर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रेफर करोगे या वन ट्वेंटी वाला पल पल्सर प्रीफर करोगे राइट सो दैट इज़ द डिमांड क्रिएशन जब तक कस्टमर डिमांड नहीं करेगा तब तक जो इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगी पायलट प्रोजेक्ट जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फेज़ वन में कंप्लीट हो चुकी है एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली सेकेंड फेज़ में आपको दिखेगा कि हर जगह जैसे सी स्टेशन या पेट्रोल पम्प आप देखते हो तो आने वाले सालों में आपको व्हीकल्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन आपको मिलेंगे बेसिकली हाईवेज़ पर और सिटीज में ताकि आपकी गाड़ी अगर कहीं अटक न जाए राइट जैसे पेट्रोल ख़त्म होने पर आपकी गाड़ी नहीं चलेगी यहाँ पे बैटरी खत्म होने पर आपकी गाड़ी नहीं चलेगी ऑब्जेक्टिव क्या था सो ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द फेम स्कीम वाज एनकरेज फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स बाय वे ऑफ ऑफरिंग अप्रंट इंसेंटिव ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो देखिए सिटीज़ को भी ये लालच दिया जा रहा है जो मान लीजिए कि एस सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो जब बसेस की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी खरीदी के लिए मान लीजिए वो एक किसी कंपनी को ऑर्डर दे देगा भाई मुझे सौ बसेस चाहिए तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आप सौ नॉर्मल बसेस की जगह अगर पचास इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर देते हो तो आपका आपको उसके ऊपर तीस परसेंट या चालीस परसेंट पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाएगा आपको अपने फंड से या अपने खजाने से वो पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है तो जो एस एम सी के जो ऑफिसर्स होंगे वो क्या सोचेंगे कि हाँ यार चलो ये या इनवायरमेंट में भी फ़ायदा है और हमारा पैसा है एस एम सी का जो पैसा है वो भी बच रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट हमें मदद कर रही है तो इस तरीके से जो टाउन है या सिटीज़ है या डिस्ट्रिक्ट है उनको इंसेंटिवाइज प्रोवाइड करवाया जा रहे हैं एस्टैब्लिश अ नेसेसरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि आने वाले सालों में हमें दिखेंगे टू एड्रेस द इश्यू ऑफ़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड फ्यूल सिक्योरिटी हमने ऑलरेडी लॉकडाउन के टाइम देख लिया कि लॉकडाउन के टाइम जब व्हीकल्स 100 परसेंट से कम होकर वन या टू परसेंट पे आ चुके थे पॉपुलेशन ऑफ द व्हीकल्स तो आपका एनवायरनमेंट कितना साफ़ हो गया था तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो आपके पॉल्यूशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठेगा क्योंकि दोज आर पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स तो कैसे उसको एड्रेस किया जाए आने वाले सालों में वो भी इंडिया जैसे कंट्री में तो उसके ऊपर बेसिकली फेम स्कीम का फोकस रहेगा ओके नाउ व्हाट आर सेलियंट फीचर्स ऑफ फेस टू सो एम्फोसिस ऑन इलेक्ट्रीफिकेशन ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दैट इंक्लूड्स शेयर्ड ट्रांसपोर्ट ओके ई ऑटो रिक्शा ऑलरेडी दिल्ली है वाराणसी है ऐसी जगहों पे ऑलरेडी ई ऑटो रिक्शा चल रही है दिस फेज एम्स टू सपोर्ट थ्रू सब्सिडीज अप्रोक्सीमेटली सेवन थाउजेंड ई बसेस फाइव लेख ई थ्री व्हीलरस फिफ्टी फाइव थाउजेंड ई फोर व्हीलर पैसेंजर कार्स एंड टेन लेख ई टू व्हीलर्स जहाँ पर भी आगे ई e लिखा हुआ है दो हजार uh, बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स ओके नथिंग एल्स इन थ्री व्हीलर एंड फोर व्हील सेगमेंट बी एप्लीकेबल मेनली टू व्हीकल्स यूज फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रजिस्टर्ड फॉर कमर्शियल पर्पजेज इन द टू व्हीलर सेगमेंट द फोकस विल बी ऑन द प्राइवेट व्हीकल्स तो अगर मुझे गवर्नमेंट दस हज़ार रुपये या बीस हज़ार रुपये की सब्सिडी दे रही है इलेक्ट्रिक वहीकल पर या इतना अच्छा ऑफर दे रही है राइट तो मैं क्यों नहीं खरीदूँगा इलेक्ट्रिक वहीकल ओके okay? टू एनकरेज एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज द बेनिफिट्स ऑफ इंसेंटिव विल बी एक्सटेंडेड टू ओनली दोज व्हीकल्स विच आर फिटेड विद एडवास्ड बैटरीज लाइक अ लिथियम आयन बैटरी एंड अदर न्यू टेक्नोलॉजी बैटरीज तो इस पर अभी रिसर्च चल रहा है कि लिथियम आयन बैटरी की जगह कौन सी बैटरी यूज की जा सकती है दिस स्कीम प्रपोज फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर बाय अबाउट 2700 चार्जिंग स्टेशन विल बी एस्टेब्लिश इन मेट्रोज अदर मिलियन प्लस सिटीज स्मार्ट सिटीज एंड सिटीज ऑफ हिली स्टेट्स अक्रॉस कंट्री सो दैट देर विल भी अवेलेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन चार्जिंग स्टेशन इन द ग्रीड ऑफ थ्री किलोमीटर इनटू टू थ्री किलोमीटर तो देखिए नाइन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको हमेशा एक चार्जिंग स्टेशन मिलेगा दैट इज द एम ऑफ गवर्नमेंट ओके तो ये बेसिकली जो फेज टू है फेम स्कीम का उसका इन डेप्थ दीज आर द डिटेल्स ओके नेशनल मेडिकल कमीशन इज़ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर एस तो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्चुअली इसकी जो इसको डिफाइन 2019 में ही कर दिया गया था उसको सेटअप 2020 में किया गया है तो आने वाली जो भी मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम होगी वो अब किसके अंडर में आएगी नेशनल मेडिकल कमीशन सो रिसेंटली द नेशनल मेडिकल कमीशन एन एम सी हैज़ रिप्लेस्ड द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एज पर द गेजेट नोटिफिकेशन इश्यूड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MCI was established in 1934. इन नाइनटीन देखिए एम सी आई जो अब तक चली आ रही थी उसको कब इस्टिश किया गया है स्थापित किया गया था उसको उन्नीस सौ चौंतीस में इन नाइनटीन थर्टी फोर अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट नाइनटीन थर्टी थ्री विद द मेन फंक्शन ऑफ़ एस्टाब्लिशिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर क्वालिफिकेशन इन मेडिसिन एंड रिकॉगनीशन ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशन इन इंडिया एंड अब्रोड तो किसी मेडिकल कॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा फीस कितनी रहेगी सीटें कितनी रहेगी कितने साल का को करिकुलम क्या रहेगा बेसिकली ये सारी चीज़ें अब तक एम डिसाइड करता था अब सा, वो सारी चीज़ें नेशनल मेडिकल कमीशन डिसाइड करेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या रहेगी कैसी रहेगी कब कब ली जाएगी कितने लोगों को अलाउ किया जाएगा कौन से लोगों को अलाउ किया जाएगा ऑल दोज डिटेल्स विल नाउ बी controlled by national medical commission the old act was replaced in 1956 and a new act was enacted in its place the new act was further modified in 1964 93 and 2001 so the government dissolved the mci in 2018 and replaced it, it with board of governors which was chaired by a member of niti ayog

तो उस टाइम पर हमने नैशनल मेडिकल कमीशन के बारे में बात की थी द चेंज इज एम्ड एट ब्रिंगिंग इन रिफॉर्म्स इन द मेडिकल एजुकेशन सेक्टर एंड एस्पेश एम्ड एट रिप्लेसिंग द एम सी आई विच वॉज टेंटेड बाई करप्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स राइट कोई भी कॉलेज अगर आपको पता हो तो इंजीनियरिंग में दो लाख या चार लाख रुपये देकर आप पढ़ाई कर सकते हो मेडिकल में सीट की प्राइस है वो तीस लाख चालीस लाख पचास लाख एक करोड़ डेढ़ करोड़ डेढ़ करोड़ तक भी जा सकती है सो ऑल दोज वर करप्शन तो उसको हटाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन को लाया गया है दम सी विल फंक्शन एज द कंट्रीज़ टॉप रेगुलेटर ऑफ मेडिकल एजुकेशन तो मेडिकल एजुकेशन में जो भी चेंजेस होंगे जो भी सुधार करने होंगे वो किसके थ्रू होंगे नेशनल मेडिकल कमीशन विल बी दी फाइनल कंट्रोलिंग अथॉरिटी इट विल हैव फोर सेपरेट ऑटोनोमस बोर्ड्स फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग एंड एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन तो ये चार उसके सब्सिडियरीज हो गए ऐसा आप मान सकते हो The common final year Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery that is known as MBBS degree. Okay, so MBBS ki jo examination hai, will now be known as the National Exit Test next, according to the new medical education structure under the NMC. Next will act as licentiate examination to practice medicine. The criteria for admission to postgraduate medical courses and also for screening of foreign medical graduates. Besides the national el eligibility and entrance test, NEET next will also be applicable to institutes of national importance, such as all. इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स इन अड टू एन्श्योर अ कॉमन स्टैंडर्ड इन द मेडिकल एजुकेशन सेक्टर इन द कंट्री तो हर किसी स्टूडेंट को एक ही तरह के एग्ज़ाम देनी पड़ेगी चाहे उसको किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाना हो तो जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है देश की वो भी नेक्स्ट को नेक्स्ट के स्कोर को कंसिडर करेगी सो नीट इज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। तो एनटीए के बारे में तो ऑलरेडी हमें पता है कि एनटीए काफ़ी सारी जो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट है उसको एनटीए के तहत लिया जाएगा वो द एनटीए एन विल डिसाइड के दिस विल बी द नेशनल टेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा फॉर्मर हेड ऑफ़ ई एम्स डेली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन फॉर थ्री ईयर्स तो आपको एनएमसी के नए चेयरमैन का नाम याद रखना है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा ओके चलिए नेक्स्ट इज द इजी टॉपिक जीमेक्स ट्वेंटी जीमैक्स टू पॉइंट जीरो मेरी टाइम एक्सरसाइज ओके दिस इज नॉट ट्वेंटी इट इज टू पॉइंट जीरो जस्ट मेक द करेक्शन सो द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया जापान Maritime Bilateral Exercise एक्सरसाइज will विल बी हेल्ड इन North नॉर्थ अरेबियन सी फ्रॉम to 28th टू September 2020. ऑफ पिछले दिनों हमने देखा कोविड वाला जो लॉकडाउन वाला टाइम था काफ़ी सारी जो इंडिया की जॉइंट एक्सरसाइज थी थी चाहे वो मिलिट्री हो नेवल हो या एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो उसको होल्ड पे रख दिया गया था पोस्टपोन कर दिया गया था बट अब धीरे धीरे हालात जैसे नॉर्मल होते जा रहे हैं वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज जीमेक्स विच इज द मैरिटाइम एक्सरसाइज ओके सो इट इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान सो जीमेक्स सीरीज ऑफ एक्सरसाइज कमेंड इन जनवरी ट्वेंटी ट्वेल्व विद स्पेशल फोकस ऑन मेरी टाइम सिक्योरिटी को ऑपरेशन और इंडिया और जापान का एक कॉमन एनिमी है वो कौन है चाइना इट इज कंडक्टेड बाई एन्युअली बिटवीन द इंडियन नेवी एंड जापानीज मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स That is JMSDF. The last edition of दी was conducted in October 2018 of Vishakhapatnam, India. तो so, पिछली बार विशाखापट्टनम में हुआ था इस बार नॉर्थ अरेबियन सी में उसको कंडक्ट किया जा रहा है बाई एन्युअली का मतलब क्या है दो साल में एक बार उसको कंडक्ट किया जाएगा जीमैक्स टू पॉइंट जीरो मल्टीफिसिटेड टेक्टिकल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग वेपन फायरिंग क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन एंड कॉम्प्लेक्स सरफेस एंटी सबमरीन एंड एयर वॉरफेयर ड्रिल्स विल कॉन्सोलीडेट कोऑर्डिनेशन डेवलप्ड बाई टू नेवीज तो दोनों एक दूसरे की जो ताकत है उसको आ, इस्तेमाल कर सके एक दूसरे की ताकत को समझ सके दैट्स वाई दीज जॉइंट एक्सरसाइज आर बींगल्ड बिटवीन इंडिया एंड दी अदर कंट्रीज ओके सिग्निफिकेंस क्या है तो जैसे कि मैं ऑलरेडी मैं आपको बताया क्योंकि इंडिया जापान के साथ यूएसए के साथ और औस, और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन करना चाहता है टू काउंटर चाइना एशिया में अगर चाइना को काउंटर करना होगा तो इन सारे कंट्रीज़ को साथ आना पड़ेगा एंड दैट्स वाई दिस इज़ दी एक्सरसाइज फॉर इंडिया एज़ वेल एज़ फॉर जापान

एंड दीज आर अदर एक्सरसाइज दैट वी कंडक्ट विथ जापान तो एन्यल ज्वाइंट लैंड मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड धर्म गार्डियन तो वो मिलिट्री एक्सरसाइज है ओके ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज शीन्यू मैत्री दैट इज ऑल्सो विथ जापान एंड वन अनदर एक्सरसाइज इन एडिशन टू यू एस ए तो जापान इंडिया एंड यू एस ए तीनों मिलकर एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है मालाबार राइट right? तो ये सारे नाम आपको याद रखने और होमवर्क में इसके साथ आपको मैं दे देता हूँ सेल्फ स्टडी में ऑलरेडी यू हैव द लिस्ट इफ़ यू डू नॉट हैव द लिस्ट ऑफ इंडियाज़ जॉइंट एक्सरसाइजेज विथ वेरियस कंट्रीज़ तो एक लिस्ट बना लीजिए मिलिट्री का अलग नेवी का अलग और एयरफोर्स का अलग उसको याद रख लीजिए राइट right? क्योंकि एग्ज़ाम में एक सवाल या दो सवाल आपको या तो सीधे एक्सरसाइज का नाम पूछा जाएगा या रिसेंटली में हुई जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पर हुई है वो पूछा जाएगा ओके okay, इतना डायरेक्ट डिटेल आपको यूपीएससी या जीपीएससी या क्लास टू थ्री फोर में पूछा जा सकता है सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दी फैक्ट्स ओके ये तो नहीं पूछा जाएगा ऐसा करके कुछ भी चीज़ आपको अवॉइड नहीं करनी है ये ऑलरेडी पिछली बार जी क्लास वन टू की एग्जाम में पूछा जा चुका है राइट right? तो क्या क्या याद रखना है वो एक्सरसाइज कौन से कंट्री के साथ होती है या कौन से कंट्री के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है राइट right? और वो कहाँ हुई थी आखिरी में या नेक्स्ट आने वाले एक दो महीने में कहाँ होने वाली है ये तीन डिटेल्स बेसिकली आपको याद होनी चाहिए ओके चलिए नेक्स्ट इज स्क्रब टाइफस तो एक और छोटा सा आउटब्रेक हमें म्यांमार से सटे हुए इलाके में देखने को मिला है सो इन आउटब्रेक ऑफ स्क्रब टाइफस ऑल्सो नोन एज बुश टाइफस अ बैक्टीरियल डिजीज विच हैज़ कॉज्ड फाइव डेथ्स एंड सिक्स हंड्रेड इन्फेक्शन इन नागालैंड नोकोलक डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग इंग म्यांमार तो म्यांमार में ऑलरेडी इसका आउटब्रेक था तो वो वहाँ से चल कर अब नागालैंड के नोकोलेक डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिला है जिसकी वजह से पाँच लोगों की मौत हो गई है और छः सौ लोगों को इन्फेक्शन हो गया है सो इट इज़ स्टिल इन दी आउटब्रेक कैटेगरी ओके हमने जब कोविड नाइन्टीन के बारे में आ, पढ़ना स्टार्ट किया, किया था तो कोविड नाइन्टीन वॉज ऑल्सो स्टार्टेड एज एन आउटब्रेक ओके okay, देन वो एपिडेमिक बना और उसके बाद जाकर वो पेंडेमिक उसको डिक्लेयर किया गया राइट right? तो उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी हमें पता है द नॉर्थ ईस्ट रीजियन इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज लाइक मलेरिया जैपनीज एंसिफिलाइटिस एंड कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक दी कैटल्स हैव ऑल्सो बीन अफेक्टेड बाई द अफ्रीकन स्वाइन फीवर तो नॉर्थ ईस्ट के लिए देर आर मल्टीपल फीवर्स एंड मल्टीपल बैक्टेरियल डिजीज आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली तो इसके बारे में हमें याद क्या रखना है एक तो किससे कॉज होता है कौन से बैक्टीरिया से वो कॉज होता है उसका नाम याद रखना है तो उसका नाम है ओरिएंशिया तुच्छुगामोशी राइट तो ये नाम आपको याद रखना है स्प्रेड कैसे होता है थ्रू बाइट्स ऑफ लार्वल माइट्स ऑफ फैमिली ट्रोम्बिक्यूलिड ऑल्सो शिगर्स सिम्टम क्या हो गए तो जैसे नाम में ये फीवर्स हेड एक बॉडी एक एंड समाइम रैश अकरेंसीज कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं तो रूरल एरियाज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंडोनेशिया चाइना जापान इंडिया एंड Northern Australia. Treatment antibiotics. As of now, there is no vaccine available for scrub typhus. तो ये scrub typhus के बारे में छोटी सी डिटेल थी सीधा सीधा आपको नाम पूछा जा सकता है और कौन से स्टेट में ये आउटब्रेक है वो सीधा सीधा आपको पूछा जा सकता है या तो उसके बैक्टीरिया का जो नाम है वो आपको पूछा जा सकता है तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है नेक्स्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर अर्ज इज़ नासाज आर्टमिस प्रोग्राम ओके आई नो वीव ऑलरेडी डिसकस्ड दिस बट नॉट इन डिटेल सो वी विल कवर दिस टॉपिक इन डिटेल टूडे सो नासा ने एक जो अपना टाइम टेबल जो पब्लिश किया है उसके हिसाब से ना नासा बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इट विल लॉन्च द आर टीम एस मिशन और अंडर दर टीम एस मिशन वो अगले इंसान और पहली महिला को चांद पर भेजेगा राइट right? पहले चाँद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग यू एस ए की तरफ से ऑलरेडी जा चुके हैं सो नाउ इट टर्न फॉर नेक्स्ट मैन एंड द फर्स्ट वुमेन सो द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश आउटलाइन फॉर इट्स आर्टमस प्रोग्राम विच प्लान्स टू सेंड द नेक्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन टू द ल्यूनर सर्फेस बाई द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर द लास्ट टाइम नासा सेंड ह्यूम मून वॉज इन नाइनटीन सेवेंटी टू ड्यूरिंग द अपोलो ल्यूनियर मिशन और नीला एमस्ट्रॉन्ग इसी नाइनटीन सेवनटी टू वाले मिशन में फर्स्ट एवर ह्यूमन बने थे जिन्होंने चंद्र की धरती पर कदम रखा था आर्टमस प्रोग्राम क्या है सो विद द आर्टमस प्रोग्राम नासा विशेष To demonstrate new technologies capabilities and business approaches that will ultimately be needed for future exploration of mars it stands for acceleration reconnection turbulence and electrodynamics of the moon's interaction with the sun to मून और सन के बीच का जो भी रिलेशन है उसको स्टडी करने के लिए आर्टिमस मिशन को भेजा जा रहा है दी प्रोग्राम इज बेसिकली डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स सो आर्टिमस वन इज मोस्ट लाइकली टू बी लॉन्च इन 2021 एंड इन्वॉल्व्स एन अनक्रूड फ्लाइट टू टेस्ट दी स्पेस लॉन्च सिस्टम्स एंड ओरियोन स्पेस क्राफ्ट तो ओरियोन स्पेस क्राफ्ट के थ्रू उसको भेजा जाएगा कि भाई ऊपर सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं फॉर दी मिशन ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आर्टिमस टू विल बी फर्स्ट क्रूड फ्लाइट टेस्ट एंड इज़ टारगेटेड फॉर 2023 एंड आर्टमस थ्री विल लैंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन दी मूनस साउथ पोल इन 2024 और मून्स साउथ पोल से हमें ये चीज़ याद आनी चाहिए कि जो हमने ऑलरेडी हमारे चंद्रयान टू में ट्राई किया वो ओके एंड दीज आर सम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो विध दैट अदरवाइज जो प्रीवियस लाइट में जो इन्फॉर्मेशन थी दोज आर मोर देन इनाथ बट अगर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है कि क्या क्या करेगा ओके okay? जैसे देखिए गेट वे क्या होगा लूनर लैंडर्स कैसे करेगा तो ये सारी चीजें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू दिस ओके दी astronauts गोइंग फॉर द Artemis प्रोग्राम विल वेयर न्यूली designed स्पेस यूट्स कॉल्ड एक्सप्लोरेशन एक्सट्रा Mobility मोबिलिटी यूनिट और एक्सईएम ओके तो पहली बार कोई स्पेस में जाने वाले इंसान इसका प्रयोग करेंगे दीज स्पेस फीचर एडवांस्ड मोबिलिटी एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरचेंजेबल पार्ट्स देट कैन बी कॉन्फिग्यूर्ड फॉर स्पेस वॉक्स इन माइक्रोग्रेविटी और ऑन अ प्लेनेटरी सर्फेस तो और मून एक्सप्लोरेशन अब तक बहुत कम कंट्रीज़ है जो मून तक पहुंच पाए हैं सो so इन 1959 से ये स्टार्ट हुआ था द सोवियत यूनियंस अनक्रूड ल्यूना वन एंड टू बिकेम द फर्स्ट रोवर टू विजिट द मून बिफोर द यू एस एंटन अपोलो इलेवन मिशन टू द मून देखिए अपोलो इलेवन उससे आगे का हर मिशन यू एस ए फेल कर चुका था तो इंडिया का जो सक्सेस रेट है मून पर पहुँचने का दैट इज़ द हाइएस्ट इन अमोंग ऑल द कंट्रीज़

time and lunar prospector. In 2009 it began a new series of robotic lunar mission with the launch of the Lunar Reconscience Orbiter and the Lunar Creator Observation and Sensing Satellite. In 2011 NASA begins the Artemis program. In 2012 the Gravity Recovery and Interior Laboratory spacecraft studied the moon's ग्रेविटी राइट अपार्ट फ्रॉम यू एस ए दूरोपियन स्पेस एजेंसी जापान चाइना एंड इंडिया हैव सेंट मिशन टू एक्सप्लोर द मून देखिए जर्मनी फ्रांस ये सारे कंट्रीज अभी तक चांद पर नहीं पहुँच पाए है बट इंडिया जापान रशिया यू एस एंड चाइना दोज आर दंट्रीज हैीच टू मून और चंद्रयान वन एंड चंद्रयान टू वी विल बी सोन लॉन्चिंग चंद्रयान थ्री अर्ली ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओके okay, तो मोस्ट प्रोबेबली कोविड का असर उस पर नहीं होगा बट अगर होता भी है तो 2021 के एंड तक वी विल बी लॉन्चिंग चंद्रयान थ्री क्यों क्योंकि गवर्नमेंट अभी अपना पैसा स्पेस प्रोग्राम में नहीं लगाएगी पहले जब तक तो इकोनॉमी ठीक नहीं हो जाएगी तो एक बार इकोनॉमी नॉर्मल हो जाएगी आफ्टर दैट अगेन जो सारा फंड है वो इसरो को दिया जाएगा नेक्स्ट इज़ ज्ञानपीठ अवार्ड सो so, ये अवार्ड ऑलरेडी असाइन कर दिया गया था इन 2019 उसको रिसेंटली जो रेसपेंट है उसको दिया गया हैंडओवर किया गया सो रिनोवड मलयालम पोइट अक्कीतम अचुतम नाम्बूदीरी वाज कॉन्फर्ड द फिफ्टी फिफ्थ एडिशन ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड ओके और ये लिटरेचर के फील्ड में ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस इट हैज़ अचीव्ड द रिकोगशन ऑफ द हाइएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ द कंट्री इंग्लिश अलॉन्ग विद अदर इंडियन लैंग्वेज इज कंसिडर्ड फॉर दी अवार्ड इंग्लिश को काफ़ी लेट इसमें इंक्लूड किया गया अदरवाइज इट वॉज ओनली फॉर दी इंडियन लैंग्वेज इंडियन रीजनल लैंग्वेज में अगर आपने कुछ अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस किया है तो उसको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता था दी अवार्ड इज़ ओपन फॉर ओनली इंडियन सिटीजन एंड इज गिवन एन्य हर साल एक बन एक इंसान को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाएगा द प्राइज़ कैरीज अ कैश अवार्ड ऑफ रुपीज इलेवन लैक्स अ साइटेशन एंड अ ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ वाग और सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग तो वो ब्रॉन्ज रेप्लिका दी जाएगी इट इज़ स्पॉसर्ड बाई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय ज्ञानपीठ इन ट्वेंटी नाइनटीन आर ऑथर अमितभ घोष वॉज फैसिलिटेटेड विथ फिफ्टी फोर्थ ज्ञानपीठ अवार्ड ही बिकेम द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर टू बिकम ज्ञानपीठ ल्यूरेट तो पहली बार अमितभ घोष को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अवार्ड दिया गया ठीक है उसके पहले ट्वेंटी एटीन में ही इसको एड किया गया था तो उसके पहले इंग्लिश लैंग्वेज के ऑथर्स को ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं दिया जाता था

So, recently there is an index published called World Risk Index 2020. So, according to the World Risk Index 2020, India is in poorly prepared category to deal with climate reality due to which it is vulnerable to extreme natural disasters. 2020 में ही हमने काफ़ी सारे नेचुरल डिजास्टर इतने सारे साइक्लोन हमने ऑलरेडी देख लिए। पूरा जो साउथ इंडिया का जो कोस्ट था गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक ईच एंड एवरी स्टेट हैज़ सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द साइक्लोन। राइट ईस्ट कोस्ट पे भी हमने साइक्लोन देखा वेस्ट कोस्ट में भी हमने साइक्लोन देखा इन 2020 ट्वेंटी एंड देट टू विद इन दी वेरी शॉर्ट स्पैन ओके काफ़ी कम टाइम विंडो में वो uh, नेचुरल डिज़ास्टर हमें देखने को मिले सो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स क्या है सो इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन अ कंट्री बाई कंट्री बेसिस थ्रू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सपोजर एंड वल्नरेबिलिटी एंड डिस्क्राइब्स द डिज़ास्टर रिस्क फॉर वरियस कंट्रीज एंड रीजनस क्या भाई वो कितने प्रिपेयर है या कितना रिस्क है उनपे फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज सो रिलीज एनुअली सिंस ट्वेंटी इलेवन इट इंडिकेट्स which countries are in the greatest need to strengthen measures for coping with the coping with and adapting to extreme natural events it is a part of world risk report 2020 released by the united nations university institute for environment and human security unuehs bundinis antikleng Hilft and the university of stuttgart in germany so okay both these are german agencies among continents ओशेनिया इज एट दी हाइएस्ट रिस्क फॉलोड बाई अफ्रीका एंड दी अमेरिका तो पहले नंबर पर जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है ओशनिया ओके एंड ओशनिया किसको कहा जाता है देखिए सो ऑस्ट्रेलिया इज द कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो छोटे छोटे आईलैंड कंट्रीज़ हैं उनको मिलाकर जो आपका कॉन्टिनेंट बनेगा दैट इज़ ओशनिया राइट तो जो समुद्र की जो सपाटी है समुद्र की जो सतह है वो धीरे धीरे क्या हो रही है बढ़ रही है तो उसका रिस्क सबसे ज्यादा ही आइलैंड कंट्रीज़ को होगा सो दोज आर मोस्ट वनरेबल सेकेंड नंबर पर अफ्रीकन कंट्रीज एंड थर्ड पर अमेरिकाज ओके सो ओशन या क्या है स्मॉल आइलैंड स्टेट्स एस्पेशल इन द साउथ पैसेफिक एंड द करेबियन आर डिस रिप्रेजेंटेड अमोंग हाई रिस्क कंट्रीज सो वन इज द कंट्री विद द हाइएस्ट डिजास्टर रिस्क वर्ल्ड वाइड तो आपको ये नाम याद रखना है वन इज द Highest disaster risk country under the Risk Index 2020. It is followed by Tonga and Dominica. They are at the high exposure to extreme natural events, which include the rise in sea level as a result of global warming. The small island states have limited financial resources and have made small contributions to climate change, but are affected the most by its consequences. They are needed to be compensated for the climate damage and losses already incurred, and merely providing financial resources. adaptation to climate change is not sufficient. So in countries को बताया जा रहा है कि भाई आपके आने वाले 10 सालों में 15 सालों में आपके यहाँ climate के काफ़ी बुरे result दिखेंगे climate change के and if you are not prefer, prepared for that, your country has to pay the price for it, right? लोगों की जान गंवानी पड़ेगी citizens की जान गंवानी पड़ेगी तो ये सारी चीज़ें ना हो okay? उसके लिए better to prepare from now. साउथ एशियन इंडिया तो देखिए इंडिया का रैंक क्या है सो इंडिया हैज़ रैंकड एटी नाइन्थ अमोंग वन एटी वन कंट्रीज़ तो जब वलनरेबिलिटी की बात हो या हाई रिस्क की बात हो सो इंडिया हैज़ बिन पुट ऑन एटी नाइन्थ अमॉग वन एटी वन कंट्रीज ऑन वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी एंड इज़ फोर्थ मोस्ट एट रिस्क इन साउथ एशिया आफ्टर बांग्लादेश अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ओके okay, बांग्लादेश में तो अगर कभी आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हो तो आपको पता होगा कि सुंदरवन का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्यों बिकॉज ऑफ़ द इरोजन बे ऑफ बंगाल से जो इरोजन होता है वो इतना ज़्यादा है कि वो पूरी की पूरी ज़मीन खिसक कर समंदर में चली जाती है राइट right? तो आज से दो साल पहले अगर मेरा घर वहाँ पे था तो आज वो ज़मीन मुझे वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी एंड दैट्स वाई बांग्लादेश इज़ दी एट हाइएस्ट रिस्क इन साउथ एशिया उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड वी आर द फोर्थ मोस्ट एट रिस्क इन साउथ एशिया ओवरऑल एटी नाइंथ श्रीलंका भूटान एंड द मालदीव हैव फार्ड बेटर देन इंडिया इन देयर एबिलिटीज टू कोप विद द एक्सट्रीम डिजास्टर्स इंडिया ऑल्सो लैग थ्री नेबर्स इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ अडेप्टिव कैपेसिटीज और दिपेर्डनेस टू डील विद द एक्सट्रीम इवेंट्स ओके बिकॉज इन इंडिया अवर गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली ऑन दीज थिंग्स ओके हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा चलता है कि एनवायरमेंट के बारे में हमारे यहाँ किसी को ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता या कोई ध्यान नहीं देता सिटीजन्स एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों ही इसकी तरफ थोड़े बहुत नेगेटिवली वर्क करते हैं अ कंपेरिजन विद्ड वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स ट्वेंटी शोज दैट ऑल साउथ एशियन कंट्रीज है

as it highlights the inability of systems institutions and other organisms to adjust to potential damage to take advantage of opportunities and to respond to consequences it becomes more important given that the india's first ever comprehensive climate change assessment report highlighted the impacts of the climate crisis so now it is high time that we start working on this climate change results ओके okay, अगर आने वाले पाँच साल या दस साल में वी हैव ऑलरेडी फेसिंग दी क्लाइमेट चेंज इन अवर लोकल एरिया राइट दिवाली तक हमारे यहाँ अब बारिश होती है जनरली राइट right? पहले ऐसा नहीं होता था ओके नवंबर दिसंबर में पहले कभी बारिश नहीं होती थी बट आजकल आप देखोगे सितंबर अक्टूबर तक तो बारिश होती ही रहती है राइट तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज तो ये आपको याद रखना है इंडिया का रैंक याद रख लीजिए और जो फर्स्ट थ्री कंट्रीज है उनके जो रैंकिंग है वो याद रख लीजिए और एशिया में नीबरिंग कंट्रीज़ ने कैसा परफॉर्म किया है वो आपको इस टॉपिक से याद रखना है सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर फॉर होमवर्क वी हैव द रिविजन टॉपिक आई हैव कैप्ट रिविजन टॉपिक ओनली फॉर यू फर्स्ट वन इज़ द भारत रत्न बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन ज्ञानपीठ अवार्ड तो आपको एक बार भारत रत्न किसको दिया जाता है किसको नहीं कैसे दिया जाता है क्या दिया जाता है कौन देता है वो सारी चीज़ें आपको एक बार देख जानी है लास्ट किसको मिला था गुजरात से किसको मिला है वो सारी चीज़ें देखनी है सेकेंड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ड्यूरिंग द लेक्चर इंडियाज़ जॉइंट एक्सरसाइज विद डिफरेंट कंट्रीज़ एंड थर्ड वन इज़ विवाद से विश्वास स्कीम वो एक बार इंपॉर्टेंट है आपको रिवाइज करने के लिए सो so, ये तीनों टॉपिक रिवाइज कीजिए गो थ्रू दी लेक्चर एंड लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट टिल देन स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू